फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलशन पुनिया और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, किस तरीके से इसका प्रयोग करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। हिंदी के सेंटेंस के अंदर इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो प्राय इसमें देखने को मिलते हैं, और वो वर्ड ये हैं: ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, एवरी प्लस टाइम, वंस, ट्वाइस, इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की स्टूडेंट्स होती है डू या डज, और मेन वर्ब इसके अंदर आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ऐसी आई एस जोड़ते हैं, तो किस तरीके से जोड़ते हैं वो देखिए आप। जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड हो, उनके साथ ई एस जोड़ते हैं और बाकी सभी के साथ में एस जोड़ा जाता है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे फिनिश से बना फिनिशेज, वॉच से वॉचेस, गो से गोज, प्ले से प्लेज, कम से कम्स, इस तरीके से। हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग कैसे किया जाता है? इनका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, सिंपल सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है। किस तरीके से देखिए, सी डज नॉट कुक फूड, हाउ डज ही नो मी, वेन डज सी वॉच टीवी, सभी में सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू का यूज करते हैं। आई डू नॉट नो यू, वेन डू यू गेट अप, वी डू नॉट लाइक हिम, इस तरीके से। इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूलेज हैं, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे रखा है और उसके उदाहरण मैंने आपको दिए, एग्जांपल मैंने दिए हैं। आई लिव इन राजस्थान, सी लिव्स इन राजस्थान, दे वॉच टीवी, ही वॉचेस टीवी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो आप इन एग्जांपल को देख के अच्छे तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है, एस या एस नहीं लगाया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है या डू या डज से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो दोनों टाइप के सेंटेंस के मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। डू या डज से यानी हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस शुरू होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, और डब्ल्यू एच वर्ड से वो सेंटेंस शुरू होते हैं जिनके बीच में डब्ल्यू एच वर्ड होता है। वाई डू यू अब्यूज मी, तुम मुझे गाली क्यों देते हो। वाई डज द टीचर पनिश हिम, टीचर उसे क्यों पनिश करता है। डज सी राइट ए स्टोरी बुक, क्या वो एक कहानी किताब लिखती है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।